नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं 1564 नर्सिंग ऑफिसर पदों के जो भर्ती उत्तराखंड में चल रही है, जिसके लिए फरवरी माह में जो है आवेदन मांगे गए थे। 1564 पदों पे जो है उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे जो है विज्ञप्ति जारी हुई थी, और उसी के क्रम में आप लोगों ने आवेदन भी किया। और उसके बाद जो है क्योंकि मामला हाईकोर्ट चला गया था और कोई अपडेट, क्योंकि जब तक माननीय उच्च न्यायालय से सारे इस भर्ती को लेकर जो जितने भी जो सुनवाई होनी है वो सुनवाई जो है नहीं होती है, तब तक ये भर्ती जो है या जो इसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी उस पर रोक लगी रहेगी। 3 मई को जो है इस भर्ती को लेकर सरकार से जो है सरकार ने जो राज्य सरकार है राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखना था। 3 मई की डेट दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। इस भर्ती को लेकर हमने बहुत सारी अपडेट देखी थी, जिसमें जो है रोस्टर प्रक्रिया, जो भर्ती में जो पदों का जो है रोस्टरीकरण, उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो दूसरे प्रदेश के थे, दूसरे स्टेट के थे, लेकिन उन्होंने जो है फर्जी जो निवास प्रमाण पत्र बनाकर इसके आधार पे जो है इस भर्ती में जो है आवेदन किया है, जिससे जो है उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी जो युवा हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको काफ़ी जो है क्षति इससे जो है हुई है। या हो अगर जो है जो ये फैसला आता है उनके पक्ष में आता है तो इससे जो उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी जो है इसका क्षति होगी। क्योंकि देखिए जो बाहर के जो कैंडिडेट होंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपसे पहले का होगा, आप उनका जो उत्तीर्ण वर्ष होगा आपसे पहले का होगा, और उसके आधार पे उनको सीनियरिटी वाइज प्रायोरिटी मिल जाएगी और उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। तो इसी को लेकर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे जो है सरकार से अपना पक्ष मांगा था। 3 मई को जो है इस भर्ती को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई भी हुई। क्या डिसीजंस आया, किसके फेवर में डिसीजंस आया, क्या सभी जो मामले थे सभी जो है पक्ष थे उन पे सुनवाई हुई या नहीं हुई, तो इसको लेकर फिलहाल अभी क्योंकि ऑफिशियल जो अपडेट है या हमारे जो कोई भाई बहन जो माननीय उच्च न्यायालय में उस दिन गए हो 3 तारीख को, जब इसके ऊपर इस भर्ती को लेकर जो है वहाँ पे जो है राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया था, उस टाइम पे जो भाई बहन वहाँ पे उपस्थित होंगे या जो हमारे नैनीताल के भाई बहन होंगे उनको ज़रूर इसके बारे में जानकारी होगी। क्योंकि अपडेट जो है अभी मुझे भी जो है क्या डिसीजंस आया है उस पर कोई अभी मुझे अपडेट नहीं मिली है, और जितना सुनने में आ रहा है कि जो है अगली जो डेट जो 23 मई की यहाँ पे दी गई हुई है, यानी 23 मई को अगली डेट यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास में फाइनल डिसीजंस आ सकता है। और इस भर्ती को लेकर आगे की जो प्रोसेस है, आगे की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो सकती है। तो आप लोगों को फिलहाल क्या करना है, देखिए सब्र बनाए रखिए, भर्ती ज़रूर होगी। 1564 पदों पे ये जो भर्ती है ये ज़रूर इसकी प्रोसेस होगी, लेकिन टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा जब UBTR स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें भी जो है काफ़ी जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी जो है पक्ष थे जो हाई कोर्ट चले गए थे, और उसके बाद जो वो भर्ती जो है उसके बाद वो भर्ती लटक गई थी। लेकिन ये भर्ती आपकी ज़रूर होगी और इसकी प्रोसेस जो है जल्द शुरू होगी। फिलहाल क्योंकि जब तक इस भर्ती को लेकर सारे जो डिसीजंस हैं, सारे जो इसमें जो डिसीजंस पेंडिंग पड़े हुए क्लियर नहीं होते हैं, तब तक ये भर्ती प्रक्रिया या इसकी जो है काउंसलिंग प्रोसेस अभी जो है नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी कोई भी अपडेट इस भर्ती को लेकर आता है तो यहाँ पे
आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी जो है, जो बेरोज़गार नर्सेज महासंघ है, वो लगातार जो है उनकी तरफ से भी कोशिश जारी है, वे लगातार प्रयास कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर। तो फिलहाल जो है, आप चैनल से जुड़े रहिए, और बाकी कोई अपडेट आती है तो यहाँ आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो अदर माध्यम से भी आपको अपडेट मिल जाएगी, आप जो है ठीक है। बाकी जो है, जो एम्स नर्सिंग ऑप्शन नॉर्सेट के जो है प्रक्रिया चल रही है, आप उनकी जो है प्रिपरेशंस कीजिए, और जब भी इस भर्ती को लेकर कोई अपडेट आएगा यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा।